साथ ही इस वीडियो के अंदर अब हम पहले वीडियो का ये दूसरा हिस्सा है, पहला वीडियो में जहां हमने छोड़ा था उससे आगे का जानकारी इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना कि हमारे देश की एक कम्युनिस्ट विचारधारा ही एक ऐसी विचारधारा है जिसने शुरुआती दौर से इस सांप्रदायिकता जो जहर घोला जा रहा था उसका विरोध किया। उसी समय आपको याद है 1923 में सावरकर ने हिंदुत्व की थ्योरी लिखी थी, जिसके अंदर उन्होंने साफ कर दिया था कि मुसलमान और ईसाई ये हमारे देश के हिस्से नहीं हैं, और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से विवादों को पैदा कराया जा रहा था, इस तरीके के षड्यंत्र चल रहे थे। 1922 से लेकर के 1927 तक 112 बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए। इन दंगों में आधिकारिक जो रिकॉर्ड है उसके आधार पर 450 लोगों की मौत हुई सांप्रदायिक दंगों में। इसके साथ में साथियों लगभग 5000 लोग घायल हो गए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं ये समय आज़ादी के आंदोलन का समय था, देश को एकजुट होकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का समय था, तो यहाँ पर हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे फसाद हो रहे थे। और इसमें जो नेता थे, राष्ट्रवादी नेता थे, जो हिंदू धर्म से ओतपोत नेता थे, वो इसके जाल में फंस गए। और एक तरफ ये थे और एक तरफ मुस्लिम लीग में कुछ लोग थे जो ताकतवर रूप में खड़े थे, और हिंदू मुसलमान का विधिवत वर्गीकरण करके एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई, दंगे फसाद, एक दूसरे के खिलाफ लोगों को भड़काना, ये बहुत ही ताकतवर तरीके से चालू था और यही आज़ादी के आंदोलन को कमज़ोर कर रहा था। इसलिए साथ ही हमको ध्यान रखना कि धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा और ख़ासतौर से कम्युनिस्ट पार्टी ने जो स्टैंड लिया जिसमें ये कहा कि सारे लोगों को मिल करके हमको देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ना है, तो ये उस समय के हालात में बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी जिसको हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसी विकास क्रम में ब्रिटिश जेलों में जो लोग बंद हुए, जैसे जेल से छूटे 1927 में, उसके बाद से मुंबई में फिर से सारे कम्युनिस्टों ने एक बैठक की, बैठक करके यहाँ से एक नया प्रोग्राम जारी किया और इसके अंदर एक संविधान भी बनाया गया, पार्टी का संविधान बनाया गया, उस संविधान को स्वीकार किया गया। उस बैठक में जो प्रस्ताव पारित किए गए जिसमें सबसे पहला था कि संपूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का नारा, दूसरा सार्वभौमिक मताधिकार यानी वोट देने का सबको अधिकार होना चाहिए, ये जमींदारी जो प्रथा है इसका अंत हो, इसको ख़त्म किया जाए, और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि सार्वजनिक सेवाएं हैं जो उनका राष्ट्रीयकरण किया जाए, इसकी मांग भी उठाई गई। ये दिशा क्या थी, जो समाजवादी व्यवस्था कायम करना चाहते थे समाजवादी व्यवस्था को कायम करने की दिशा थी ये। इसके साथ ही तीन पार्टी समर्थित मुखपत्र निकालने की घोषणा की गई, जिसमें पहला था गढ़वानी, ये बंगाली भाषा में था, बंगाली साप्ताहिक था। दूसरा था मेहनत कश, ये उर्दू में छपता था और लाहौर से प्रकाशित होता था। तीसरा जो है मुंबई से प्रकाशित होती थी एक पत्रिका था जिसका नाम था क्रांति, ये मराठी में भाषा में छपती थी और ये भी साप्ताहिक थी। इन तीन मुखपत्रों से पार्टी की विचारधारा और जानकारी को प्रचारित प्रसारित करने का निर्णय लिया गया। यहाँ से पार्टी का एक सांगठनिक दिशा और सांगठनिक रूप से जोड़ने का काम शुरू किया गया। एक चीज और ध्यान रखना है साथियों कि इस समय तक भी कम्युनिस्ट सीधे तौर पे संगठनों में नहीं थे, चाहे वो जो ट्रेड यूनियन बनी थी EITUC उसके अंदर हो, दूसरे इसमें कांग्रेस के लोग थे, इसमें सोशलिस्ट थे, इसके अंदर जो हिंदू धर्म से प्रेरित थे, ये सारे जिनको गर्मपंथी कहा गया था उसमें, ये भी शामिल थे। तो जो संगठन जनसंघर्ष चल रहे थे, जनसंघर्ष के अंदर कम्युनिस्ट काम करते थे और अपनी बात को रखते थे, इसलिए सारा कुछ कम्युनिस्टों के हाथ में नहीं था, ये हमको ध्यान रखना है, जिसके कारण से कम्युनिस्ट एकदम से पूरी दिशा को परिवर्तित नहीं कर पाते थे शुरुआती दौर में, और उसी के अंदर वो अपनी बात रखते थे, उसी संगठनों के अंदर वो अपनी दिशा देते थे। जो ट्रेड यूनियन का काम शुरू हुआ था बॉम्बे में, उसके नेता थे SB घाटे, उनको EITUC का नेता चुना गया। 1921 से सीधे तौर पर कम्युनिस्ट नेता इसका नेतृत्व नहीं कर रहे थे, कम्युनिस्ट इसमें शामिल थे। तो इस तरीके से साथियों संगठन बनने की एक प्रक्रिया चल रही थी। इस समय मजदूरों के और किसानों के संघर्ष चल रहे थे,
तो इस समय स्वतः रूप से मजदूरों की, किसानों की बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे संगठन स्वतः लोग जनरेट कर रहे थे, उनको एकजुट कर रहे थे, एकजुट करके संघर्ष में उतार रहे थे। तो मजदूर और किसानों के नाम से बहुत सारे संगठन बन रहे थे और इन सभी संगठनों के अंदर कम्युनिस्ट काम कर रहे थे। वो इस जनता को एक दिशा दे रहे थे, एक लाइन दे रहे थे। वो कम्युनिस्टों की संख्या उस समय कम थी, मगर इनका लक्ष्य था कि कैसे भी करके ये एक जनतांत्रिक मोर्चा बन जाए और ये क्रांति का रूप ले ले, जो कम्युनिस्टों का लक्ष्य था कि आज़ादी का आंदोलन और उसके साथ में समाजवादी व्यवस्था को कायम करना। इसी सोच के साथ बहुत सारे कम्युनिस्ट इन मजदूर और किसानों के संगठनों में सचेतन मन से शामिल थे, इसका भी ध्यान रखना है। और बंगाल में साथ ही 1925 में एक मजदूर किसान पार्टी का गठन हुआ। इसके अंदर कांग्रेस के ही कुछ प्रगतिशील लोग थे और लेबर स्वराज पार्टी के लोग थे। इन्होंने मिलकर के मजदूर किसान पार्टी का गठन किया, यहाँ से उदय हुआ। और इसके अंदर कम्युनिस्ट काम कर रहे थे इन संगठनों में। तो इसी प्रकार का जो CPI थी, जो पार्टी बन गई थी, उसने पहल की। बॉम्बे के अंदर भी इसी तरीके का एक मजदूर किसान पार्टी का गठन करवाया। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कम्युनिस्ट यहाँ प्रमुख भूमिका में नहीं थे, कम्युनिस्ट यहाँ आंदोलन की प्रमुख भूमिका में थे, मगर लीडरशिप में बाकी जो जन आंदोलन के नेता हैं, कांग्रेस के साथ में थे और भी जो लोग थे वो भी शामिल होते थे, उसकी दिशा देने का काम कम्युनिस्ट करते थे। इसके बाद से जो राजपूताना था, जो इलाका था, उसमें भी एक मजदूर किसान पार्टी का गठन किया गया। उसके बाद से साथियों यूपी में भी इसी तरीके से मजदूर किसान पार्टी बनाई गई। उसके तुरंत बाद पंजाब में भी 1928 में एक मजदूर किसान पार्टी का गठन किया गया। और इस पार्टी के माध्यम से पूरे देश के अंदर अलग अलग तरीके से जनसंघर्ष और जो भी कांग्रेस के आह्वान आते थे, अंग्रेजों के खिलाफ जो भी साइमन कमीशन का विरोध किया गया था उस समय, तो बहुत सारे आंदोलन इन पार्टियों के बैनर से मजदूर किसानों को एकजुट करने के लिए बड़े बड़े आंदोलन किए गए। और साथ ही 1928 के अंत तक इन सारी किसान पार्टियों ने मिलकर के ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन किया। इस समय एक बात और ध्यान रखनी है कि 1928 में छठी कांग्रेस हुई थी, जो इंटरनेशनल कम्युनिस्ट संगठन था। उसके अंदर ये चर्चा की गई थी कि भारत देश के अंदर की जो सिचुएशन है उसके आधार पर जो मजदूर किसानों के संगठनों के नाम में जो कम्युनिस्ट काम कर रहे हैं, अब ये समय आ गया है कि उनको सीधे तौर पर अपना खुद का एक दस्ता बना करके, खुद की पार्टी के रूप में खड़ा होकर के हमको सीधे रूप में काम करना चाहिए। ये उन्होंने सलाह दी थी कि इन सबको कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे के नीचे काम करना चाहिए। तो इस तरीके से साथियों बड़े बड़े संघर्ष, बड़ी बड़ी हड़तालें, बड़े बड़े किसानों के आंदोलन, मजदूरों के आंदोलन, बड़े संघर्ष इस बीच में पैदा हुए। वो यही संघर्षों की ताकत कम्युनिस्टों की ताकत थी और इन संघर्षों को पैदा करने में कम्युनिस्टों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसको भी अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और एक आधिकारिक रिपोर्ट के आधार पर 1 अप्रैल 1928 से 31 मार्च 1929 तक, इस एक साल के बीच में पूरे देश के अंदर 203 हड़तालें हुई, 203 हड़तालें, जिसके अंदर 5,06,851 लोगों ने भागीदारी की, हिस्सेदारी की। इसी प्रकार से 1927 और 28 में भी 129 हड़तालें हुई, जिनके अंदर 1,31,655 लोगों ने भागीदारी की। 1930 में भी यही चालू रहा। 1931 के अंदर सरकार ने 166 औद्योगिक विवादों को दर्ज किया, जिसके अंदर 2,03,008 कामगार शामिल थे। इसी प्रकार से 1933 में 146 इस तरीके के औद्योगिक विवाद हुए, जिसके अंदर 1,64,938 मजदूर शामिल हुए। इस तरीके से साथियों संघर्ष चल रहा था। और 1931 में भगत सिंह को फांसी हुई थी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को। तो ये वो समय था जब ही बहुत ही तेजी से आंदोलन, तेजी से संघर्ष चल रहे थे, जिसमें कम्युनिस्टों की प्रमुख भूमिका थी। इस समय हमको ध्यान रखना साथियों, आज़ादी के आंदोलन में मजदूर किसानों का जो आंदोलन था उसके अंदर प्रमुख भूमिका कम्युनिस्टों की थी, जो पूर्ण स्वराज के नारे के साथ
देश को आज़ादी चाहते थे और उसके बाद से समाजवादी व्यवस्था कायम करना चाहते थे। तो इस तरीके से ये जन आंदोलन है, जनता के अंदर आंदोलन पैदा करके, जनता के अंदर जागृति पैदा करके जो उभार पैदा किया वो कम्युनिस्टों ने किया, ये हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। इस समय कांग्रेस, साइमन कमीशन आया था, ये ध्यान रखना, कांग्रेस अंग्रेजों के पीछे चल रही थी। इस समय तक भी कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का नारा नहीं दिया था, ये ध्यान रखना है। और आरएसएस अपना हिंदू राष्ट्र का ढिंढोरा पीट रहा था, और 1925 में आरएसएस बनने के बाद आज़ादी के आंदोलन से आरएसएस को कोई लेना देना नहीं था, ये हमको ध्यान रखना है। और 1925 के 1917 के बाद से क्रांतिकारी आंदोलन भी पूरे तरीके से समाजवादी क्रांति के लक्ष्य के साथ खड़ा हो गया था। धर्म से ओतपोत जो लोग थे वो 1917 तक ही कुछ रूप में आ पाए, उसके बाद वो या तो स्वतः शिथिल हो गए या उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। तो यहाँ से हम देखते हैं 1917 के बाद से क्रांतिकारी आंदोलन, उसके बाद से कम्युनिस्ट पार्टी का आंदोलन, ये देश को आज़ाद कराने की दिशा में प्रमुख ताकतें थीं। इसके साथ में साथियों जो मुस्लिम लीग थी वो भी अपना अलग स्टेटस की या अलग धर्म के आधार पर बात कर रहे थे, आरएसएस भी धर्म के आधार पर बात कर रहे थे, और आरएसएस और मुस्लिम लीग आपस में लड़ करके सांप्रदायिक मामले फैला करके देश के अंदर एक विघटन पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए हर जगह सांप्रदायिक दंगे, हिंदू मुसलमान के दंगे, ये सारा कुछ एक तरफ मुस्लिम लीग और एक तरफ आरएसएस हिंदू महासभा ये सब कराने की कोशिश कर रहे थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय था जिस समय में कम्युनिस्टों ने और क्रांतिकारियों ने मिलकर इस आज़ादी के आंदोलन के आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बात को हमको, इस सिचुएशन को हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और साथ ही इसी जो कम्युनिस्टों की दिशा थी उसी के दबाव में आके क्रांतिकारी आंदोलन और कम्युनिस्टों का जो दबाव था, मजदूर किसानों का जो आंदोलन था, उसके दबाव में आकर के 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया, पूर्ण स्वराज के नारे का प्रस्ताव पारित किया। इसमें भी साथी हमको ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग थे जो पूर्ण स्वराज के नारा देने के पक्ष में नहीं थे कांग्रेस के अंदर यहाँ तक भी, मगर जो युवा थे, यूथ थे, उन्होंने बहुत ही ताकतवर तरीके से प्रेशर बनाया कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस को मजबूरन इसकी पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा करनी पड़ी। तो जब ये कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का मांग का घोषणा किया और कम्युनिस्ट और क्रांतिकारी आंदोलन पहले से पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे, यहाँ से आंदोलन को एक दिशा मिली, एक गति मिली, और यहाँ से एकदम से बहुत ही तेज़ी से आंदोलन पैदा हुए। ये आकलन के अनुसार 1922 से लेकर के 1941 के बीच में जो आतंक के नाम पे जो घटनाएं रजिस्टर की गई अंग्रेज़ों के द्वारा, उनकी संख्या काफ़ी बड़ी थी, जिसके तहत 415 राजनीतिक कैदियों अंडमान की सेकुलर जेल में 415 लोगों को भेजा गया था उन मुकदमों के तहत। और ये सारे कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट विचारधारा किससे सहमत थे और ये देश में आज़ादी के साथ समाजवादी व्यवस्था को कायम करना चाहते थे। इस महत्वपूर्ण समय में अंग्रेजों से सीधा मोर्चा लेने का काम कम्युनिस्टों ने किया, सीधा मोर्चा लेने का काम ना कांग्रेसियों ने किया, सीधा मोर्चा लेने का काम ना आरएसएस ने किया, ना हिंदू राष्ट्र वालों ने किया। इस बात को हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और साथियों जो ये 415 लोग, 415 कैदी निरंतर जो सेकुलर जेल में गए, इन्होंने, ये सारे कम्युनिस्ट थे, और जेल से निकलने के बाद ये सारे कम्युनिस्ट पार्टियों में शामिल हुए। इन्होंने जेल के अंदर भी स्टडी सर्कल बनाया, बड़ी संख्या में लोगों की सेकुलर जेल में मौतें हुई, बड़ी यातनाओं को झेला, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, और जो बचे हुए लोग थे वो बाद में कम्युनिस्ट पार्टियों में शामिल हुए। तो ऐतिहासिक तथ्य हैं साथियों जिसको हमको ध्यान रखना है। इसके अलावा सेकुलर जेल में जो यातना झेले उसमें ना तो कांग्रेसी थे और ना उसमें आरएसएस के लोग थे, ना उसमें कोई हिंदू राष्ट्र वाले लोग थे। इस बात को हमको साथी अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। भगत सिंह के एक साथी थे शिव वर्मा, जिन्होंने बाद में भगत सिंह का पूरा इतिहास, पूरी किताबें
सारा उनका जानकारी को देश के सामने रखा। एक साथी थे विजय कुमार सिन्हा, ये सेकुलर जेल में थे और जब वहाँ पे ये आंदोलन हुआ स्टडी सर्कल बनाने के लिए, कम्युनिस्ट साहित्य को पढ़ने के लिए, वहाँ जो स्टडी सर्कल बना उसके सेक्रेटरी थे। एक साथी थे सुबोध राय, जो सबसे कम उम्र के थे सेकुलर जेल में, वहाँ वो कम्युनिस्ट बन गए और उसके बाद उन्होंने बाहर आके अपने लेखन से पूरी जानकारी को दिया। इनके साथ में साथी गणेश घोष, सतीश पक्रासी, गोपाल आचार्य, बांगेश्वर राय, अनंत सिंह, सुधांशु दास गुप्ता, हरे कृष्ण कोड़ार, डॉक्टर नारायण राय, निरंजन सेन गुप्ता, ये कुछ नाम मैंने आपको बताए हैं। और पूरे आंदोलन के दौरान मैंने 415 नाम बताए हैं आपको जो रिकॉर्ड में हैं। तो साथियों ये समझना है कि किस तरीके से इन कम्युनिस्टों ने देश की आज़ादी के आंदोलन में अपनी जान को लगा करके, अपने ऊपर यातना झेल करके इस अंग्रेजों को भगाने वाला जो आंदोलन था उसको मजबूत किया। ये जो कार्रवाई थी इसमें साथियों महिलाएं भी पीछे नहीं थीं, महिलाएं भी बड़ी संख्या में थीं, जिसमें एक महिला थी जिनका नाम था कल्पना दत्त। इन्होंने 7 साल की सजा हुई, इनको 6 साल इन्होंने जेल में बिताए। इस तरीके से साथियों ये जो 1925 का समय था, 1925 से 30 का समय था, इस समय में बहुत ही ताकतवर तरीके से क्रांतिकारी आंदोलन और कम्युनिस्टों ने मिलकर के अंग्रेजों को भगाने के लिए बहुत ही ताकतवर तरीके से काम किया। इस पूरी गतिविधि से परेशान होकर के जो अंग्रेज थे उन्होंने दोबारा फिर कम्युनिस्टों पर दमन करने का षड्यंत्र बनाया और उसके बाद से 1929 में मेरठ षड्यंत्र केस हुआ। और साथियों इस मेरठ षड्यंत्र केस के अंदर देश भर के 31 प्रमुख कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार किया गया। उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि ये हथियारबंद क्रांति करके जो अंग्रेजों का शासन है उसको उखाड़ फेंकना चाहते हैं, ये आरोप लगाया गया। उसके साथ ही साथियों जैसे मैंने बताया कि मजदूर संगठन, किसान संगठन, ये सब कम्युनिस्ट थे जो आंदोलन कर रहे थे, इनके सभी दफ्तरों पर छापा मारा गया। सभी ऑफिसों पर जो साहित्य था, जो सामान था, उसको जब्त किया गया। और इस 31 लोगों में 13 लोग जो है CPI भारत की कम्युनिस्ट पार्टी जो बनी थी उसके सदस्य थे, बाकी के लोग अन्य कम्युनिस्ट ग्रुप जो देश में काम कर रहे थे उनके लोगों को, कुछ क्रांतिकारी ग्रुप के लोगों को इस मेरठ षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया था। इसमें एक और भी रोचक जानकारी है कि इस जो कम्युनिस्ट आंदोलन था भारत देश का, उसके अंदर जो ब्रिटिश की कम्युनिस्ट पार्टी थी वो भी इस आंदोलन को सपोर्ट कर रही थी। और मेरठ षड्यंत्र केस में 2 साथी ऐसे गिरफ्तार हुए जो ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे, जिसमें एक का नाम था फिलिप स्प्रेट, दूसरे का नाम था बेंजामिन ब्रेडले। ये 2 ब्रिटिश की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे जिनको इस मेरठ षड्यंत्र केस में आरोपी बनाया गया था। और ये साथियों ये मुकदमा मेरठ में चला, उत्तर प्रदेश में। ये 20 मार्च 1929 में ये केस बना था और 1933 तक ये मुकदमा चला। और इस मुकदमे को साथ ही ब्रिटिश सरकार ने बहुत बड़ा मुकदमा बनाया था ये, जिसके अंदर 25 छपे हुए संस्करण प्रस्तुत किए थे, जिसके अंदर 3,500 दस्तावेज थे और 320 लोग इस केस के गवाह थे। इतना सब प्रस्तुत करने के बाद भी उससे अंग्रेजों ने कुछ साबित नहीं कर पाया, केवल इतना ही साबित कर पाए कि ये मजदूर और किसानों के जो आंदोलन चल रहे हैं उसमें शामिल हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं। और साथियों जो ये क्रांतिकारी थे, इसके जो आरोपी थे, जो कैदी थे, इन्होंने ये टारगेट बनाया कि इस मुकदमे के माध्यम से हम अपनी बात का, अपने विचार का प्रचार प्रसार करेंगे। और 18 कम्युनिस्टों ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो मुकदमा है ये वर्ग संघर्ष का लड़ाई है और इसके साथ में मजदूरों के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे और इसके साथ में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों से जो आज़ादी पानी थी उसकी कार्य योजना
और उसके बाद में साम्यवाद के मूलभूत यानी कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, उसका व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया, उसको बताया, उसको जनता को समझाया। तो यहाँ पर एक दिशा, एक विचार की दिशा को जेल में रहते हुए इन कम्युनिस्टों ने देश के सामने रखा। और ये जो कार्रवाइयाँ थी, इनसे देश के अंदर एक व्यापक एकजुटता पैदा हुई और इनसे कैदियों से फिर बड़े बड़े नेता भी मिलने गए, जिसमें महात्मा गांधी भी मिलने गए थे। ये भी ध्यान रखना कि प्रमुख नेता तो बंद थे, मगर देश के अंदर इस समय में बहुत ही तेजी से गतिविधियां हो रही थीं, जिसमें भगत सिंह और ये सारे लोग तेजी से गतिविधियां कर रहे थे। इन्हीं गतिविधियों के बीच में भगत सिंह को 1931 में फांसी हुई, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की। उसके बाद से युवाओं के अंदर एक नए तरीके का उबाल आया। ये सारी गतिविधियां आपस में जुड़ी हुई हैं। नेताओं को 1929 में जेल में डालने के बाद भी बाकी क्रांतिकारी गुट, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और ये सारे जो क्रांतिकारी थे, ये बहुत ही ताकतवर तरीके से काम किए। ये भी हमको ध्यान रखना, पूरे देश में कम्युनिस्ट अंडरग्राउंड तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियों का को अंजाम दे रहे थे, ये भी हमको ध्यान रखना है। और साथियों, 1933 में फैसला आया मेरठ षड्यंत्र केस का, जिसके अंदर अंग्रेजों ने बड़ा कठोर दंड दिया, जिसमें 16 जो आरोपी थे उनको देश निकाला कर दिया कुछ समय के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए, इतने टाइम तक ये देश से बाहर रहेंगे। और 11 साथियों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उसके बाद से सभी लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की और हाई कोर्ट ने जो 11 आरोपियों के ऊपर जो आरोप लगे थे उनको निरस्त कर दिया, बाकी जो आरोपियों की सजा को कम कर दिया। और ये आरोपी सभी पिछले 4 साल से बंद थे, इसलिए कोर्ट ने 1933 में सभी को रिहा कर दिया, सभी जेल से बाहर हो गए। अंग्रेजों के इस दमन ने पूरे देश के अंदर कम्युनिस्टों की जो गतिविधियां हैं, क्रांतिकारियों की जो गतिविधियां हैं, उनमें तेजी आई, उसको प्रोत्साहित किया, क्योंकि जितना दमन किया उतना ताकत से देश की जनता, देश का नौजवान, देश का यूथ उठ खड़ा हुआ। 1931 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी के बाद 1933 में जब ये सारे नेता बाहर निकले जेल से, उस समय बहुत ही ताकतवर रूप से देश का युवा, देश की जनता सड़कों पर थी और संघर्ष करने को तैयार थी। इस तरीके से साथियों, ये मेरठ षड्यंत्र केस हुआ। वो इसके बाद से पूरे दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर ये मैसेज गया कि अंग्रेजों से सीधी टक्कर में, सीधी लड़ाई में कम्युनिस्ट हैं, क्रांतिकारी हैं, जो अंग्रेजों से सीधा संघर्ष ले रहे हैं। और फिर याद दिला देता हूँ, यहाँ तक ना तो कांग्रेस सीधे संघर्ष में थी, ना आरएसएस सीधे संघर्ष में था, केवल एक ही ताकत थी जो अंग्रेजों से आज़ादी के लिए सीधे संघर्ष में थी, वो कम्युनिस्ट थे। इस बात को हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, बहुत ही ऐतिहासिक तथ्य है, जिसको हमको ध्यान रखना है साथियों। और साथियों, जब ये सारे मेरठ षड्यंत्र केस में जेल में गए, सब कार्रवाइयाँ चल रही थी, मजदूरों की हड़तालें चल रही थी, क्रांतिकारियों की गतिविधियां चल रही थी, इसी बीच में 1930 में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने एक योजना बनाई, क्योंकि शुरुआती दौर में कोई योजना पुख्ता तरीके से नहीं थी, मगर शुरुआती दौर का लक्ष्य था कि अंग्रेजों को हटाना है यहाँ से, देश को आज़ाद कराना है और समाजवादी व्यवस्था कायम करनी है। उसके बाद 1930 में एक नया दस्तावेज बनाया गया, जिसको प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शन कहा गया, कार्यवाही का दस्तावेज, जिसके अंदर एक रूपरेखा बनाई गई, जिसके अंदर एक योजना बनाई गई कि इस दिशा में क्रांति होगी, इस दिशा में आगे बढ़ना है, इस तरीके की गतिविधियां करना है, ये सारा इस तरीके से क्रांति होगी, सारा एक खाका इस दस्तावेज के अंदर बनाया गया। साथियों, एक बात और ध्यान रखनी है कि इस समय तक पूरे दुनिया के अंदर जो क्रांति हो रही थी, जो 1917 में रूस में क्रांति हुई थी, और जहाँ भी क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे, उन क्रांतिकारी आंदोलन में हथियारबंद क्रांतियाँ हो रही थी। ये वो समय था 1700 के बाद, नए औद्योगिक क्रांति के बाद, कि दुनिया के अंदर राजाशाही व्यवस्था खत्म हो रही थी
और नई लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बन रही थी। तो कुछ जगह राजाशाही व्यवस्था खत्म होकर के पूंजीवादी व्यवस्था आई, जनतंत्र आया। कुछ जगह राजाशाही व्यवस्था खत्म होकर के समाजवादी व्यवस्था आई, जैसे रूस के अंदर और भी देश हैं। तो हमको साथ ये ध्यान रखना, हमारे देश के अंदर इस समय जो राजाशाही व्यवस्था थी उसको अंग्रेजों ने खत्म कर दिया था। अंग्रेजों का शासन हमारे देश में था, तो अंग्रेजों ने सारे देश को एकजुट कर दिया था और अंग्रेजों से आज़ादी का आंदोलन और उसके बाद से क्रांति, ये लक्ष्य कम्युनिस्टों ने बनाया था। तो हमें ध्यान रखना कि उस समय की जो सिचुएशन थी वो क्रांति की थी, क्रांति करके हथियार बंद क्रांति। इसलिए जो क्रांतिकारी आंदोलन था, रूस की क्रांति के बाद हमारे देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग सेना बना करके, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने भी सेना बनाई थी, बहुत सारे जो गुट थे वो सेना बना करके सशस्त्र आंदोलन से हथियार उठा करके क्रांति करके अंग्रेजों को देश से भगाना चाहते थे। तो इस समय भी हमको याद रखना है कि हमारे देश के अंदर जो कम्युनिस्ट थे उसके उनके अंदर कई बार इस बात की चर्चा भी हुई, मतभेद भी हुए कि क्रांति कब करनी है, क्रांति कब की जाए, हथियारबंद क्रांति कब की जाए हमारे देश के अंदर। तो अंग्रेजों को हटाने के लिए हथियार उठाना और उसी हथियारों से फिर क्रांति करना, इस तरीके का लक्ष्य से काम हो रहा था, ये ध्यान रखना है साथियों। और इसमें हमेशा दो तरीके की धारणाएं आती थीं। एक धारणा ये आती थी कि जो डेमोक्रेटिक फंक्शन है, जनतंत्र है, लोकतंत्र है, उसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरा जो ये था कि क्रांति करके, हथियार पर क्रांति करके देश को आज़ाद और आज़ाद के बाद क्रांति करना चाहिए। तो इस तरीके की चर्चा बहुत जगह हुई, बहुत डिस्कशन हुआ, बहुत सारे दस्तावेजों में हुआ। और साथियों इस चर्चा में हमेशा दो तरीके के मत रहे, ये हमको ध्यान रखना है। अब ये समय की परिस्थिति का आकलन है, जैसे उस समय कुछ लोगों का आकलन था 1930 में ही कि अब क्रांति की जा सकती है, कुछ लोगों का आकलन ये था कि नहीं, अभी क्रांति नहीं हो सकती क्योंकि हमारे देश की जनता अभी दिमागी रूप से क्रांति करने की स्थिति में नहीं है। तो ये आंदोलनों के समय का विश्लेषण है, इसके विस्तार में हम नहीं जा रहे क्योंकि इतिहास एक तथ्य है, इतिहास में जो भी होता है समय परिस्थिति के आधार पर सारी चीज़ें तय होती हैं, उसको आज सही या गलत कहना ये ठीक नहीं होगा। इसलिए इस तरीके के विचार हमेशा रहे, ये हमको ध्यान रखना है। क्योंकि हमारे देश के अंदर जो सिचुएशन थी, कांग्रेस तो क्रांति के पक्ष में नहीं थी, कांग्रेस समाजवादी व्यवस्था जो रूस में क्रांति हुई उसके पक्ष में नहीं थी। हमारे देश के अंदर RSS तो जो जर्मनी का हिटलर है उसकी जो थ्योरियाँ थी उसके आधार पर, उसको समर्थन, उसकी जो फांसीवादी राज्य की व्यवस्था थी उसकी अवधारणा से हमारे देश के अंदर राज्य व्यवस्था कायम करना चाहते थे। तो हमको ये समझना है कि जो क्रांति वाला पक्ष है वो केवल कम्युनिस्टों के पास था, हथियारबंद क्रांति का जो लक्ष्य था वो केवल कम्युनिस्टों के हाथ में था और वही हथियारबंद क्रांति और आंदोलन करने की कोशिश कर रहे थे। जितने भी ग्रुप थे वो समाजवादी व्यवस्था और रूस की जो हथियारबंद क्रांति थी उससे प्रेरित थे। ये तथ्यों को भी हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और साथियों इसी समय में जो जेलों में लोग थे जो लड़ रहे थे, यहीं से कम्युनिस्ट पार्टी की अगली पीढ़ी का निर्माण हुआ, ये भी हमको ध्यान रखना है। साथियों विकास क्रम को ध्यान रखना है, किस तरीके से पहले विकास क्रम में कितने लोग लड़े, कितने लोग मरे, कितने लोगों ने कुर्बानियां दी। उस समय संगठन का स्वरूप नहीं था, अंडरग्राउंड चल रहा था, बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम ही पता नहीं है, उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी क्रांतिकारी आंदोलन में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, कम्युनिस्ट विचार के लिए। तो ये साथी हमको ध्यान, इसी आंदोलन में जो जेलों में बड़ी संख्या में क्रांतिकारियों को जेलों में डाला, खासतौर से सेकुलर जेल, अंडमान निकोबार की जेल, काले पानी की सजा, तो इस पूरी जेलों के अंदर जो लोग थे इन्हीं में से कम्युनिस्ट पार्टी की अगली पीढ़ी पैदा हुई, अगले नेतृत्वकारी पीढ़ी पैदा हुई, ये भी हमको ध्यान रखना है। पी सुंदरैया ये बहुत बड़े कम्युनिस्ट लीडर बने, सी राजेश्वर राव, के सत्यनारायण, इसी तरीके से केरल में EMS नमूद्रीपाद जो केरल के
प्रथम मुख्यमंत्री भी बने थे। ए के गोपालन, पी कृष्ण पिल्लई, ये तीन बहुत बड़े नेता जो केरल के थे, कम्युनिस्ट नेता। पंजाब के अंदर हरकिशन सिंह सुरजीत तथा सोहन सिंह जोश, तमिलनाडु के अंदर पी रामूर्ति, बंगाल के अंदर बंकिम मुखर्जी, अब्दुल रज्जाक खान, बिनोय चौधरी, सोमनाथ लाहिरी, भूपेश गुप्ता तथा सरोज मुखर्जी, ये कुछ नाम है बंगाल के कम्युनिस्ट नेताओं के, बड़े कम्युनिस्ट नेताओं के। अब महाराष्ट्र में बॉम्बे में वी टी रणदवे, एस जी सरदेसाई, ये महाराष्ट्र के थे। उत्तर पूर्व में जो प्रमुख कम्युनिस्ट नेता पैदा हुए, इसमें अजय घोष, पी सी जोशी, जी अधिकारी, इरवाद सिंह, अचिंत भट्टाचार्य, इस प्रकार से बहुत सारे कम्युनिस्ट नेता पैदा। मैंने आपको कुछ ही नाम बताए हैं। बड़ी संख्या में जेलों से, इन आंदोलनों के अंदर से एक नई पीढ़ी का जन्म हुआ, जिस पीढ़ी ने आगे कम्युनिस्ट आंदोलन की कमान को संभाला। आगे चल के ज्योति बसु, ज्योति बसु भी एक बहुत बड़ा नाम है, जो इंग्लैंड में पढ़ रहे थे और वहाँ से लौट के आए। 1940 में वो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने और पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। इस तरीके से इस विकास क्रम में कम्युनिस्ट आंदोलन और कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण हुआ। अब साथियों, हम 1934 में आते हैं। 1934 के अंदर सीपीआई पर अंग्रेजों ने फिर से प्रतिबंध लगाया। आप ये देखेंगे कि अंग्रेजों ने कम्युनिस्टों पर निरंतर दमन किए। जैसे ही मेरठ षड्यंत्र केस से सारे कम्युनिस्ट नेता छूटे, तो 1933 में भी एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। सारे नेताओं ने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसके अंदर एक केंद्रीय कमेटी का चुनाव हुआ और एक राजनीतिक दिशा के लिए एक दस्तावेज का ड्राफ्ट तैयार किया गया, जिसके अंदर जो आंदोलन चल रहे हैं उन आंदोलनों को बांधने के लिए, एकजुट करने के लिए, निर्देशित करने के लिए एक केंद्रीकृत पार्टी के निर्माण पर जोर दिया गया। इस प्रकार से साथियों, यहाँ से एक नए तरीके का, नए युग का, नए तरीके के एक सांगठनिक समझ के साथ नए संघर्ष का एक सूत्र पात्र किया गया। और साथियों, इस गतिविधि जैसे ही चालू हुई तो 1934 के जुलाई में अंग्रेजों ने इस कम्युनिस्ट पार्टी को प्रतिबंधित कर दिया और सारे इनके ऑफिस बंद कर दिए। सब कुछ दोबारा दमन करके सारा कुछ खत्म करने का कोशिश किया, मगर इसके बावजूद सारे नेता अंडरग्राउंड हो गए और अंडरग्राउंड तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी की गतिविधियों को जारी रखा। ये हमको साथ ही ध्यान रखना। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अंग्रेजों ने 1921 से लेकर के अभी 1934 की बात कर रहे हैं हम, यहाँ तक निरंतर कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को और कम्युनिस्ट पार्टी की गतिविधियों को प्रतिबंधित रखा, नेताओं पर निरंतर दमन किए। इस बात को हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और इसी बीच में इन कम्युनिस्टों ने, इन क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी के आंदोलन के लिए अपनी जानें देकर, कुर्बानियां देकर इस आंदोलन को मजबूत किया। ये तथ्य भी हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब साथ ही यहाँ की हमको परिस्थिति समझना, 1934 की, कि कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, नेता जो प्रमुख नेता थे वो अंडरग्राउंड हो गए। अब यहाँ पर कांग्रेस आज़ादी के आंदोलन का रोल अदा कर रही थी और आपको याद है कि 1929 के बाद कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का नारा दे दिया था। कांग्रेस का जो आंदोलन का विकास क्रम है, मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो यहाँ की जो सिचुएशन थी, सिचुएशन में कांग्रेस प्रमुख रूप में अंग्रेजों के साथ तालमेल बिठा करके संघर्ष कर रही थी। तो अंग्रेजों ने कांग्रेस की गतिविधियों को प्रतिबंधित नहीं किया था, कांग्रेस अपनी गतिविधियां खुले रूप से कर रही थी। तो फिर कम्युनिस्ट थे उसके अंदर जो, और समाजवादी थे, इन लोगों ने कांग्रेस के अंदर एक नया ग्रुप जनरेट किया जिसका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नाम से एक संगठन का गठन किया, जिसके अंदर कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे, सोशलिस्ट थे, कुछ कांग्रेसी थे,
जो कांग्रेस के अंदर भी कुछ लोग थे जो समाजवादी विचारधारा से सहमत थे, उनने सबने मिलाकर के एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण किया। वो इसको सीएसपी कहा गया। वो इस सीएसपी के अंदर जो केरल के ईएमएस थे, ईएमएस नमूद्रीपाद, उन्होंने बहुत प्रमुख भूमिका अदा की। उसके साथ में पी कृष्णा पिल्लई, इन्होंने भी इस सीएसपी के अंदर प्रमुख भूमिका अदा की। तमिलनाडु की एक बहुत ही पुरानी विख्यात कम्युनिस्ट नेता हैं, महिला नेता हैं, जिनका नाम है केपी जानकी अम्मा, वे भी सीएसपी के साथ जुड़ी हुई थी। उसके साथ में एक दिनकर मेहता थे जो गुजरात से थे। इस तरीके से साथियों इस सीएसपी का निर्माण किया गया और इनका लक्ष्य था कि कांग्रेस को भी समाजवादी व्यवस्था की तरफ ले जाना है, कांग्रेस भी समाजवादी व्यवस्था को कायम करे, उस तरफ कांग्रेस को ले जाना है, ये इनका कोशिश था। और जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव बनाए गए थे। तो यहीं से कांग्रेस के अंदर समाजवादी और कम्युनिस्टों ने इस दिशा में धकेलने का कोशिश किया और इसी की वजह से जो जवाहरलाल नेहरू थे वो भी समाजवादी व्यवस्था से प्रेरित थे। तो इस विकास क्रम में साथी हमको ध्यान रखना है, यहीं से एक गड़बड़ ये हुई कि बहुत बड़ा ग्रुप था कम्युनिस्टों के अंदर जो ये समझने लगा कि नेहरू और कांग्रेस ये समाजवादी व्यवस्था ला रही है, तो इसलिए हमको नेहरू को सपोर्ट करना चाहिए, कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये समाजवादी व्यवस्था ला रहे हैं। तो इस तरीके से कांग्रेस ने और नेहरू ने कम्युनिस्टों को कन्फ्यूज किया उस परिस्थिति के अंदर। तब की नेहरू का जो दिशा था वो समाजवादी व्यवस्था को कायम करने का नहीं था। नेहरू का जो दिशा, नेहरू के साथ में देश के पूंजीपति, सारा पूंजीपति वर्ग नेहरू के और कांग्रेस के साथ में थे। तो आगे चल के आज़ादी के बाद जो संविधान बना वो संविधान में और संविधान के आगे जो सिचुएशन हुई उसमें उन्होंने संविधान के अंदर भी देखेंगे सब जगह समाजवाद समाजवाद लिखा हुआ है, मगर आगे का खाका जो पूंजीवादी व्यवस्था के आधार पर तय हुआ और कुछ ही समय में बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि ये कांग्रेस की सरकार समाजवादी व्यवस्था की जाने की तरफ जाने की बजाय ये पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ जा रही है खुले रूप से। और उस समय फिर 1964 में जैसे कम्युनिस्ट पार्टियों का विवाद हुआ, मैं आगे बात करूंगा, जिसके बाद दो हिस्से हुए। तो ये साथियों हमको इस समय से जो ये आधारशिला रखी गई, जो शुरुआत हुई, इस आधारशिला ने बहुत आगे तक इफेक्ट किया, कम्युनिस्टों की दिशा को बाधित किया, कम्युनिस्टों के अंदर अलग अलग चेतना पैदा करने का काम इस पूरे विचार ने किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको हमको ध्यान रखना, आगे मैं विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा। अब साथ ही यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है, 1935 का वक्त है, 1933 का वक्त है, हमको ध्यान रखना कि इस समय में इटली में और जर्मनी में फांसीवाद का उदय हो गया था। उदय होने के बाद से ये दोनों फांसीवादी व्यवस्था आगे बढ़ रही थी। 1935 तक जो हिटलर था, हिटलर ने पूरी दुनिया पे अपना साम्राज्य कायम करने का घोषणा कर दिया था और 1935 के बाद बहुत ही ताकतवर तरीके से फांसीवादी जो ताकतें हैं वो दुनिया पर कब्जा करने का उन्होंने घोषणा कर दिया था। तो एक नया ये खतरा दुनिया के सामने पैदा हो गया। फांसीवादी विचार के साथ हमारे देश के अंदर आरएसएस इसका समर्थन कर रहा था। आरएसएस हिटलर और मुसोलिनी के सारे वक्तव्यों को, उनके फांसीवादी विचार को कॉपी कर रहा था। कॉपी करके इन्होंने भी हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना करके पूरी तरीके से उस नस्ल की थ्योरी से 1938-39 में जो गोलवलकर ने किताब लिखी हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा, जिसके अंदर उन्होंने स्पष्ट लिख दिया था कि जो हिटलर का जो फांसीवादी राज है वो बहुत ही सही है और वैसा हमको करना चाहिए, वैसा हमको सीखना चाहिए। तो ये जो खतरे थे इसके कारण से हमारे देश के अंदर एक व्यापक मोर्चा बनाने की जरूरत महसूस हुई ताकि इस फांसीवादी विचार को रोका जा सके। उसी तरीके से दुनिया के अंदर भी एक व्यापक मोर्चा बनाने की जरूरत महसूस हुई कि इस जो फांसीवादी विचार का जो नया खतरा है
इसको पूरी दुनिया में रोका जा सके, ये हमको साथी ध्यान रखना है। इसी समय में 1935 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का मीटिंग हुआ रूस के अंदर, जिसके अंदर इस फांसीवादी विचार का, जो ये साम्राज्य कायम करने का घोषणा था, इसके बारे में चर्चा किया गया, विचार किया गया और ये कहा गया कि एक व्यापक साम्राज्यवादी मोर्चा बनाने का जरूरत है। उसी आधार पर हमारे देश के कम्युनिस्टों ने भी एक व्यापक साम्राज्यवादी मोर्चा बनाने का कोशिश किया और यहाँ से आज़ादी के आंदोलन के साथ में ये फांसीवादी विचार को रोकने का ये कोशिश जो दुनिया स्तर पर चल रही थी, उस कोशिश को कम्युनिस्टों ने भी समर्थन किया। 1935 तक CPI भी कॉमिंटर्न से जुड़ चुकी थी, रजिस्टर हो गई थी, इसलिए दुनिया का जो परिस्थिति है उसका पूरा चर्चा, उसका पूरा विचार CPI को मालूम होता था, CPI की लीडरशिप पूरी चर्चा में शामिल होती थी। इसलिए जो फांसीवाद का खतरा आया, वहाँ से एक अलग तरीके की परिस्थिति पैदा हुई, ये हमको ध्यान रखना।